मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर। इसके पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहां से यहां तक ले लें इसको, हिंदी मीडियम यहां से स्टार्ट करें, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो लोग इसका स्क्रीन शॉट लेकर रखें ताकि आप उनको स्क्रीन शॉट से पढ़ सकें। सिंघवी लिमिटेड का पंजीयन 100 रुपए वाले 1,50,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। 1.5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ, तो ये तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया, अधिकृत पूंजी। अब उसके बाद में आगे वो क्या कहता है, कंपनी ने 70,000 अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किए, जो कि इस प्रकार से दिए थे। तो हमारा सवाल तो इस पे चलेगा, 70,000, सही है ना? क्योंकि थे कितने, 1,50,000, पर इश्यू कितने कर रहे हैं केवल, तो इश्यूड शेयर कैपिटल जो है वो 70,000 होगी किए, जिस पर राशि इस प्रकार से दे थी। अलॉटमेंट पे 30 रुपए, प्रीमियम 5% है, तो 100 का 5% 5 होता है, तो 35 रुपए प्रीमियम सहित। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 प्लस 5 हो गया, टोटल 35 हो गया। ये अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल 30 रुपीज, तो 30, 30 और 30 तीन बार हो गया, तो शेष राशि, तो शेष का मतलब 10 रुपए अंतिम मांग थी, सेकंड या फाइनल कॉल जिसको हम बोलते हैं। 1,25,000 अंशों के लिए खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। शेयर कितने हैं, 70,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई, 1,25,000। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, अति अभिदान। यानी 70,000 अंश को खरीदने के लिए आपके पास 1,25,000 शेयर्स की डिमांड आ गई है। तो जब भी ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें दो काम करने होते हैं। एक, पहला कि दो जनरल एंट्रियां इसमें मूल रूप से बनती है, एक तो कि जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा आई है उनको लौटाने की, और एक जनरल एंट्री बनती है आपके जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे आगे एडजस्ट करने की। तो जनरल एंट्री दो होती है, पर उसकी गणित इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम इस सवाल में सीखेंगे। अब इसने क्या किया है वो देखते हैं। बंटन इस प्रकार से किया गया, यानी अलॉटमेंट इस प्रकार से किया गया। नंबर वन, 25,000 शेयर्स, 25,000 अंशों के आवेदकों को बंटन के लिए इनकार कर दिया गया। तो 25,000 इसके आगे लिख दो रिटर्न, रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। सही बोला मैंने, रिटर्न क्या करेगा, एप्लीकेशन मनी रिटर्न करेगा, और उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई। ठीक है, ये देखो यहां पे, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बाकी अंशों के आवेदकों को यथानुपात प्रो रेटा बेस, यथानुपात आधार पर बंटन किया गया। ठीक है, ये रहा प्रो रेटा बेसिस, उनकी अधिक आवेदन राशि बंटन पर देय राशि से समायोजित कर दी गई। तो अब 1,25,000 एप्लीकेशन आपके पास है, 1,25,000, जिसमें से 25,000 लौटा दोगे तो पीछे 1,00,000 आवेदन बच गए। शेयर कितने हैं, 70,000, तो 70,000 को कितने देने हैं, 1,00,000 आवेदन के लिए 70,000 अंश देने हैं, इसलिए इसने बोला यथा अनुपात। अब इस यथा अनुपात शब्द का मतलब समझ लो बस, बाकी सब सेट है। यथा अनुपात का मतलब है आपके पास शेयर कितने हैं, 70,000, एप्लीकेशन कितनी है, 1,00,000, तो अगर 1,00,000 मांगेंगे तो 70,000 दे सकते हो, इश्यू जितना करे उतना ही तो दे सकते हैं। अगर 1,000 मांगे तो 700 दे सकते हो, यदि 100 मांगे तो 70 दे सकते हो, और यदि 10 मांगे तो 7 दे सकते हो। ये कहलाता है यथानुपात, जिसने जितना मांगा उसको उसी अनुपात में दे दो जिस अनुपात में आपके पास है। अब मैं लो, आप में से कोई एक व्यक्ति कहता है, कोई संख्या बोलो कि मुझे इतने शेयर चाहिए, तो आपको सर मेरे को 2,000 शेयर दे दो, तो आपने मांगे कितने, 2,000, मैं तुम्हें यथा अनुपात दूंगा, तो इसका मतलब मैं तुम्हें कितने दूंगा, तो आप कहोगे सर 1,000 पे 700 होते हैं, तो 2,000 मांगे तो कितने, 1,400 दूंगा। समझ में आई,
ये कहलाता है प्रोरेटा। सुनना था पक्का। किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर अगर मैं 4,000 मांगू तो कितने होंगे? चलो 4,000 मांगे तो 2,800। आपने खुद ने कैलकुलेट करना सीख लिया। यही अर्थानुपात है, जैसा मांगा उसके अनुपात में दे दो। इससे न्याय हो गया ना, जिसने 100 मांगे उसको 70 दिए, 200 मांगे 140 दिया, 400 मांगे 280 दे दिए और यथानुपात दे दिए। सब खुश है कि हाँ सही है, मांगे उसके अनुपात में दे दिए। आगे बोलता है उसकी अधिक की राशि को जो एक्स्ट्रा था उसको आपको आगे समायोजित कर लिया गया। 350 अंशों का धारक बंटन राशि तथा आगामी मांगों पर देय राशि चुकाने में असमर्थ रहा। एक व्यक्ति था जिसके पास 350 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और आगे की मांग राशि भी नहीं दी। और 560 अंशों का एक अन्य धारक और था जिसने प्रथम मांग और अंतिम मांग देय राशि चुकाने में असमर्थ रहा। तो दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास, एक के पास 350 शेयर थे और एक के पास 560 शेयर थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो वो भी ठीक है, बकाया है, एरियर कहते हैं इसको, तो एरियर किया अब क्या हो जाएगा। बाकी राशि देय तिथियों पर प्राप्त हो गई, ठीक है। कंपनी की पुस्तकों में उपरोक्त दर्ज करने के लिए जनरल प्रविष्टि कीजिए और रोकड़ भी तैयार कीजिए और चिट्ठा भी तैयार कीजिए। सब कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल समझना है, स्क्रीनशॉट के लिए इंग्लिश का पूरा सवाल एक बार खोल देता हूँ। ये आपका पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, और हिंदी मीडियम का भी एक बार खोल देता हूँ। ये आपका हिंदी मीडियम का सवाल, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो शेयर। तो शेयर आपके पास है 70,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,25,000, सही बोल रहा हूं मैं? इसी के आगे लिख दो रिटर्न 25,000, शेष 1,00,000, सही चल रहा है सारी चीज? सवाल लिख रहा हूं शॉर्ट में। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 30। अलॉटमेंट 30+5, बहुत अच्छे। फर्स्ट कॉल 30 और सेकंड एंड फाइनल कॉल 10। टोटल गणित 100+5, 5 रुपए प्रीमियम के हैं। अब एक और अंशधारी था जिसके पास 350 अंश थे, उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तीनों ही एरियर थे इसके पास, है ना। और एक और अंशधारी था, उसने क्या नहीं दिया? 560 शेयर थे क्या? 560 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। ये आपका एरियर है, सही लिखा है मैंने? फोरफीचर का इसमें कुछ कहा नहीं है, नहीं कहा ना? तो अपने को तो सवाल करना है सेकंड कॉल तक का सारा। यहां तक सवाल लिखना आ गया सभी को समझ में? पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहली नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सबसे पहली एंट्री यही होती है, और वो एंट्री होगी आपके, एंट्री पहले लिखूंगा बाद में अमाउंट लिखेंगे। पैसा आता है ना, बैंक अकाउंट DR 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सही है। और पहली एंट्री जो है वो केवल एक एंट्री इससे होगी, देखो बेटा बोर्ड का, 1,25,000 से, 1,25,000 इंटू 30 रुपए, कितना होता है अमाउंट? 3,75,000 और CR 3,75,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
कोई दिक्कत कर रहा है। नंबर दो, 25,000 अंशों को लौटा दिया है ना, 25,000 आवेदन जो थे उनको कहा कि भाई हमें आपके अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, तो रिटर्न की एंट्री आप हाथों हाथ कर सकते हो। तो लिखें एप्लीकेशन मनी रिफंड। ये एंट्री कई बार लोग जो है वो तीसरे नंबर पे करते हैं और कई बार इसको तुरंत कर लेते हैं। 01 बढ़ाना है क्या? बढ़ा देते, ये एक जीरो बढ़ा दें, 37,50,000 हो जाएगा। यहां पे भी 37,50,000, ठीक है भाई। अब उसके बाद में रिफंड का, जैसा कि मैं बता रहा था, इसको आप तीसरे नंबर पे करो चाहे दूसरे नंबर पे करो, करनी तो है, और इंडिपेंडेंट जर्नल एंट्री है तो आराम से कर दो सीटी। ये पहली एंट्री की अपोजिट होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, लौटा रहे हैं ना अकाउंट, और 25,000 एप्लीकेशन लौटा दी, 25,000 इंटू 30 कितना होता है बेटा? 7,50,000, 7,50,000। यहाँ पे भी लिखता हूं मैं, ये 25,000 इंटू 30, सही चल रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? दो हो गई। अब यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है ना। यहां पे अगला पार्ट थर्ड एंट्री, एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सही है, ट्रांसफर्ड। और कितना? तो ये अब जितनी भी एंट्री होगी वो 70,000 से होगी, सही है। तो मैं यहां लिखता हूं है ना, 70,000 इंटू 30 कितना आता है बच्चों? 21,00,000, सही चल रहा है ना बेटा? अब एक और चीज, इन दोनों जर्नल एंट्री की जगह पे आप मिक्स एंट्री कर सकते हो। हाँ बोलो। तो वो मिक्स एंट्री में कॉमन कौन है? एप्लीकेशन कॉमन है, तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट आएगी 7,50,000, 21,00,000 और टोटल आ जाएगी इसकी 28,50,000, सही है ना। अब आप पे तय है कि आप इसको मिक्स एंट्री करना चाहें या अलग अलग करना चाहें। जिनको लगता है कि नहीं सर जनरल एंट्रियों की संख्या बढ़ी हुई दिखनी चाहिए तो दो कर दो, अलग एक साथ करनी है तो तीन कर दो, हो गया बच्चों। अब आप यहां पे एक शब्द लिखो, सरप्लस। जब भी आधिक्य आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना। सरप्लस का मतलब आपके पास कितना पैसा ज्यादा आया, तो ये कब होगा? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन है इस प्रश्न में, तो इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है बच्चों। पहली एंट्री में जो अमाउंट थी ना, उसमें से दूसरी और तीसरी घटा दो, तो ये आपके सामने पड़ी हैं तीनों एंट्रियां, ये रही।
सैतीस लाख पचास हजार में से 7 लाख पचास हजार और 21 लाख कटा दो। ₹9 लाख पूरे पूरे 9 लाख सही है। आपके पास 9 लाख रुपए ज्यादा है जो बच गए हैं, सरप्लस है। ये सरप्लस जो है ना, उसके बारे में प्रश्न ने कहा कि जो ज्यादा पैसा आ गया है, अधिक की राशि को आगे समायोजित कर दिया जाए। और आगे समायोजन करने का मतलब ये होता है कि जब आप अलॉटमेंट के 35 रुपए मांगोगे ना, उस समय ये पैसा काम में ले लेना, उतना कम कर देना। ये होता है एडजस्टमेंट। यहां तक समझ में आया? चौथी एंट्री, फोर्थ। अब अलॉटमेंट शुरू हो गया तो अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री बच्चों क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सही है ना? और इसमें कोई गणित देनी देखनी होती है, बस सीधे सीधे 70,000 शेयर है ना, तो 70,000 से सीधा सीधा चलेगा। ये हो जाएगी 70,000 इंटू 30 और ये हो जाएगी 70,000 इंटू 5। गणित बताओ क्या आया बच्चों? पहले की नीचे वाले की? 3,50,000। ये तो आसान थी। ऊपर वाली 30, 21 लाख और दोनों की टोटल 24 लाख। कोई दिक्कत बेटा? अलॉटमेंट पे 24,50,000 रुपए लेने हैं, ड्यू कर रहे हैं, जबकि सरप्लस कितना है? 9 लाख। तो सारा खप जाएगा, मतलब इतना पैसा सारा एडजस्ट एक जगह पे हो जाएगा ना, फर्स्ट कॉल पे तो जाएगा ही नहीं। कई बार क्या होता है, अधिक इतना ज्यादा होता है कि वो फर्स्ट कॉल पे भी चला जाता है और सेकंड कॉल पे भी चला जाता है। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि 24,50,000 रुपए मांगने और सरप्लस तो 9 लाख ही है। सही है ना? तो पांचवी एंट्री आप लिखे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। सही है ना? अब ये जो 9 लाख रुपए है ना, वो कहता है कि अलॉटमेंट में काम में ले लो। ऑब्वियस है, आप अगर मेरे को कोई चीज ज्यादा कहते हो कि सर ये ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे? आप कहोगे ना सर अगले में काम में ले लेना। दुकानदार में ज्यादा पैसे छोड़ देते कि भाई अगली बार जो आएगा उसमें काम में ले लेना, ऐसा बोलते हैं। तो वही सेम यहाँ पे कि जो हमारे पास 9 लाख ज्यादा है ना, तो वो ये कहता है कि ये जो 9 लाख है ना, वो आप कहाँ काम में ले लेना? अलॉटमेंट में काम में ले लेना। और काम में ले लेना तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना कि पहले के आए हुए हैं। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री इस 9 लाख की ये होती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस की जनरल एंट्री लिखो, सारा अलॉटमेंट पे हो जाएगा। तो लिखें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट लिख दो 9 लाख। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? सरप्लस अमाउंट एडजस्टेड। सही चल रहा है बच्चों? सारा बोली थी। छठा, अब बच्चों बैंक के प्राप्त करने की एंट्री। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड, ये एंट्री अपने को करनी है। तो लिखे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सही है? अब यहां पे ये बात जो हमें समझने की है,
वो यहां पे देखो बच्चों, बोर्ड पे सब कुछ है। 24,50,000 रुपए आप अलॉटमेंट में मांगते हो, जिसमें से 9 लाख तो प्राप्त हो गए, घटा दो कितने बचे, मैं यहां लिखता हूं है ना, तो मांगे कितने थे, 24,50,000 रुपए आप अलॉटमेंट पे ड्यू करते हो, उसमें से आपके एडजस्टमेंट 9 लाख जो है वो एप्लीकेशन वाला पैसा एडजस्ट कर देते हो, सही है। पीछे कितना बचा, 15,50,000 रुपए आपके पास अभी और लेने हैं, सही बात है। एक भाई साहब इसमें भी पैसे दे नहीं रहे हैं, 350 शेयर जो ऐसा था, एक शेयर होल्डर था 350 जिसके पास शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए है ना। अब इसको एक बार समझो बेटा, देखो बोर्ड पे देखो, लेना कितना था, उसमें से 9 लाख एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन के, तो 15,50,000 लेने हैं, ये 70,000 अंशों से लेने थे, मैं सही बोल रहा हूं ना, तो 15,50,000 लेने हैं 70,000 अंशों से, तो एक से कितने लेने हैं वो आ जाएगा, तो 15,50,000 बट्टे 70,000, तो एक से कितना लेना है वो आएगा, इंटू 350 कर दो, तो इससे कितने लेने हैं 350 वाले से, तो कैलकुलेट कर रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 काट दो, अब संख्याएं छोटी हो गई, अब कैलकुलेट कर लो, 7,750 ये इस व्यक्ति से लेने थे 350 वाले से, ये आपके एरियर हो गया, सही बोल रहा हूं मैं, और ये फॉर्मूला भी आपको याद आ गया होगा बचपन वाला, तो इतना कम मिला, तो मिला कितना, मिलेगा कितना, तो कितना मिलेगा, तो ये आओ यहां पे, 15,50,000 लेना था, सही है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसके पास 350 अंश थे, 7,750 रुपए उसने एरियर रख दिया, तो मिला कितना घटाओ, 15,42,250, ये अमाउंट आपको बैंक में लिखनी है, 15,42,250, यहाँ पे भी 15,42,250, अलॉटमेंट भी समाप्त हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत क्या रही है, सही चल रहा है। सातवां, फर्स्ट कॉल के ड्यू के, फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री सबसे आसान होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है, कितने रुपए, 70,000 शेयर है, इनटू कितने रुपए थे, 30 रुपए, तो 21 लाख रुपए होते हैं, पक्का 21 लाख, ये इस एंट्री में कोई दिमाग नहीं लगाना क्या है, कितने हैं, और यहां पे लिखेंगे ड्यू जनरेशन हो गया। बैंक की एंट्री आती है ना तो सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो पैसा कितना आया वो देखना पड़ेगा ना, तो वो एरियर घटाने के बाद आता है, तो रिसीव्ड, रिसीव्ड की एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल के, तो एंट्री तो वो सेम ही रहती है हमेशा, बैंक अकाउंट डीआर, एंट्रियों में तो याद एक बार कर लो, उसके बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सही है, अकाउंट, अब इसकी गणित समझेंगे रिसीव्ड के, तो इसमें बहुत सिंपल सा है, 70,000 शेयर थे है ना, उसमें से एक व्यक्ति था जिसने क्या है कि 350 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया 30 रुपए, तो कितना हुआ, फर्स्ट, तो 10,500 तो इन भाई साहब ने नहीं दिए फर्स्ट ने, और सेकंड एक और व्यक्ति था जिसके पास 560 शेयर थे, उसने भी 30 रुपए नहीं दिए, तो दोनों ने मिलकर कितने पैसे नहीं दिए,
27,300 ये एरियर हो गया। तो एरियर हो गया तो 21 लाख लेने थे, उसमें से इतना पैसा नहीं आया तो घटा के निकाल लो। तो मैं यहां लिख देता हूं 21 लाख माइनस 27,300, तो घटाने पर कितना था बेटा? 20,72,700। समझ में आ रहा है बेटा? 20,72,700। फर्स्ट कॉल भी समाप्त, लास्ट सेकंड कॉल। तो 9 नंबर एंट्री, सेकंड कॉल ड्यू, तो ड्यू की एंट्री। तो सबसे आसान होती है सर इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही चल रहा है? अकाउंट नीचे नरेशन लिख दो ड्यू, इतने से नरेशन में पार पड़ जाएगी। 70,000 शेयर है और 10 रुपए लेने, 7 लाख। कोई दिक्कत बेटा? बहुत अच्छा, इसमें तो डर नहीं है सीधी। ये चार एंट्री तो हर इंसान की सही होनी चाहिए। अब आता है रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड में एंट्री तो लिख ही दिया करो, एंट्री तो बिना डरे लिखा करो। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सही है? तो इसमें नरेशन लिख दो रिसीव्ड, ये भी ये फिक्स लिख दिया। अब आप नीचे लिखो फर्स्ट इंसान जो था उसके पास 350 शेयर थे, 10 रुपए नहीं दिए तो 3,500, और एक और सेकंड इंसान था जिसके पास 560 शेयर थे, उसने 10 रुपए नहीं दिए 5,600। दोनों भाइयों ने मिलके कितना पैसा नहीं दिया? 9,100। ये एरियर हो गया, ठीक है? तो 7 लाख में से 9,100 आया नहीं, तो आया कितना? 6,90,900। कोई दिक्कत बच्चों? ये कैसे आया? मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें। 7,00,-9,100। हो गई सारी जनरल एंट्री, कुछ भी नहीं है अब तो। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश पूछा है क्या? कैश अकाउंट लो, कैश अकाउंट बनाए, आओ बनाए कैश अकाउंट। ये लो, कभी घबराना नहीं है अकाउंट बनाने में। जनरल एंट्री जिसको आती है वो किंग होता है। लिखो ऊपर बैंक अकाउंट, पोस्टिंग करनी आती है ना। पहली एंट्री में क्या लिखा था आपने? जनरल एंट्री याद करो। बैंक अकाउंट डीआर टू क्या लिखा था? तो यहां पे लिखो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट देख के बताओ कितनी थी? 37,50,000, सही है? दूसरी बैंक की एंट्री जिसमें भी बैंक का नाम आया वो लिखनी है इसमें। दूसरी बैंक की एंट्री में आपने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक लिखा था, तो इसमें बाय में लिखो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना लौट आया भाई? 7,10,050,000 लिख देंगे, 7,50,000 हो गया। फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ, वो कितना था? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक वाली एंट्री देखनी है, 15,42,250 बैंक वाली एंट्री देखनी है। जिन बच्चों के पास जो कॉपी में लिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो पीछे जाके देखें। फिर टू फर्स्ट कॉल का पैसा आया कितना? 20,72,700। और फिर सेकंड कॉल का पैसा आया, हाँ किसका आया सेकंड कॉल का? कितना पैसा आया बच्चों? 6,00,000
तो फर्स्ट कॉल का पैसा आया 20,72,700। अब बताओ मुझे सेकंड कॉल में कितना पैसा आया? 6,90,900 हो गया। इधर का टोटल लगाओ, इधर का भी टोटल लगाना है। अंतर जो आएगा उसे इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे इसे। तो इधर का टोटल बताओ बच्चों, पहले इस तरफ 80,55,850। सही है, 80,55,850। अंतर इसमें से ये घटा दो तो अंतर आ जाएगा 73,05,800। आंसर दिया हुआ है, दिया हुआ है आंसर। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, ये आपके कैश बैलेंस अकाउंट बनाने के लिए कहा था, वो कर दिया हमने। अब एक और मांग कर रहा है, वो बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे वो भी बताओ। ये लो बैलेंस शीट में कौन से डरते हैं, इतनी सी बैलेंस शीट बनाए, लिखो बैलेंस शीट। सबसे पहले नंबर वन, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, 70,000 शेयर है, कितने रुपए? 100 रुपए। कितना होता है 70? ये अंदर की तरफ लिखूंगा मैं। लेस एरियर, एरियर जोड़ो, ऊपर दो बार एंट्री की थी हमने, संख्या बताओ ना कितना कितना है बच्चों। पहली एरियर है 7,750, दूसरा 27,300 प्लस 9,100। ये तीनों एरियर हो गए, टोटल होती है इसकी 44,150। ये घटा दो, बाहर लिख दो, 70 लाख में से 44,150 घटा दो, कितना आता है 69,55,850। नंबर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके कितना है? हाँ हाँ जितना लिखा है वही बोलना पड़ेगा, 3,50,000। बस ये इतना ही है और कुछ नहीं है, टोटल लगाओ आप। तो इन दोनों की टोटल लगा दो कितना था, 73,05,850। और इस तरफ केवल एक ही चीज आएगी एसेट्स में, वो आएगा बैंक, वो हमने अकाउंट बनाया था उसमें कितना आया था 73 लाख, 73,05,850, और टोटल भी हो जाएगी 73,05,850। तो हमने जो कुछ कहा वो सब कर दिया है। आज का सवाल यहीं समाप्त करते हैं।